काफी सारे इस महीने के सपने टूट गए, बट हैपेंस। हे व्हाट्स अप गाइस, मैं अरुण अमीन। तो गाइस, आज का ब्लॉग, वेल मैं कब से शुरू कर सकता था इस ब्लॉग को, बट उस वक्त मेरा मूड नहीं था, काफी कुछ हो चुका था, आपने थंबनेल भी देख लिया है, बहुत हैवी नुकसान हो गया है। एंड मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हो सकता है। मेरा पूरा दिमाग आउट है। मैंने काफी कुछ सोचा था कि मैं इस मंथ ये करूंगा, वो करूंगा, सबकी बैंड बजने वाली है, एंड प्लस अंकिता की भी बर्थडे है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल दैट, मेरा थोड़ा बहुत बिगड़ेगा या थोड़ा टाइम जाएगा, दैट इज फाइन, बट अंकिता की बर्थडे हम बहुत ही अच्छी तरह से निकालेंगे। अब मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता देता हूँ हुआ क्या, और उसके बाद क्या क्या मुझे डिफिकल्टी अभी फिलहाल के लिए पड़ी, मैं बताता हूँ, रुक जाओ गाइस। तो गाइस ये देखो, ये मेरा नया iMac जो सुपर एक्सपेंसिव है, जो आपको पता है अंकिता की हेल्प से मॉम ने गिफ्ट किया था मेरे को। ये पूरा टूट चुका है, ये पूरी स्क्रीन आप देख सकते हो, तो आपको और प्रॉपरली दिखाता हूँ। हाँ गाइस, इसमें आपको ज़्यादा दिखेगा, देख सकते हो गाइस, ये पूरी स्क्रीन क्रैक हो चुकी है, पूरी कंप्लीटली, ये देख सकते हो गाइस, ये सारे कांच वाच निकल चुके हैं, यहाँ पे अंदर का भी दिख रहा है कंप्यूटर का, ये पूरी स्क्रीन क्रैक हो चुकी है, कहीं पे भी बचा नहीं है, टोटल स्क्रीन क्रैक हो चुकी है यहाँ से। अब इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई है, ये देखो गाइस, कंप्यूटर की बॉडी बैंड हो गई है, यहाँ से पूरा क्रैक हो चुका है, स्क्रीन बाहर निकल चुकी है, ये भी मुझे ज़्यादा बड़ा लॉस है। इस तरफ भी सेम चीज़ हुई है गाइस, स्क्रीन बाहर निकल चुकी है, आप देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला पोर्शन बैंड हो गया, मतलब इसका जो आउटर बॉडी कवर है वो बैंड हो चुका है। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, एप्पल का है iMac है, तो अगर इसकी आईफोन की स्क्रीन ही अगर इतनी महंगी आती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा। सिर्फ डिस्प्ले नहीं, ये भी टोटल लॉस हो चुका है, और एप्पल जनरली डजंट रिपेयर, दे रिप्लेस द पार्ट्स, और कभी कभी तो पूरा यूनिट, बट बहुत ही हैवी कॉस्ट पे। एंड मैं आपको बताता हूँ अब कि हुआ कैसे। यहाँ पे मैं बैठा था चेयर पे, एंड चैम्प और वुल्फी इस रूम में थे, आपको अभी से अंदाजा था आ गया होगा कि क्या हुआ होगा। जनरली वुल्फी बहुत ही शांत है, अच्छे एंड डिसेंटली रहता है, पर आज वो थोड़ा मस्ती के मूड में था, बच्चा है मस्ती के मूड में था, ऑब्वियसली रहेगा। अब हुआ क्या, वो यहाँ वहाँ दौड़ रहा था। अब मेरे कंप्यूटर के पीछे आपको दिखाता हूँ, इस तरह से यहाँ पे और वॉल में गैप है, क्योंकि मुझे टीवी से थोड़ा डिस्टेंस किया था अपने आप का गेमिंग के लिए, तो सारे वायर्स यहाँ पे टंगे रहते हैं। अब वुल्फी यहाँ से भागता हुआ आया, वो यहाँ पे गया और सारे वायर्स के बीच में से दौड़ता हुआ गया, तो हुआ क्या, मेरा इंटरनेट गिरा दिया, और इसमें कुछ डैमेज हो चुका है, तो ये भी नहीं चल रहा है, वाईफाई अंदर का वाईफाई नहीं चल रहा है, वो भी मैं बताता हूँ क्या क्या हुआ था। इसके ये सारे वायर्स जो होते हैं, नसीब अच्छा है कि टीवी नहीं गिरा, ये सारे अब मैं बताता हूँ, अभी तो थोड़ा मैंने अंदर कर लिया है, यहाँ से लेके गया तो ये PS5 भी यहाँ पे आधे तक टंग गया था, कैमरा, माइक, ये सारी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, मेरा जो कैमरा है, ये जितनी भी चीज़ें, ये सारे वायर्स के साथ यहाँ पे गिरी, ठीक है। तो ये कंप्यूटर भी जो था, इसका वायर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको पुल हुआ एंड ये पूरा कंप्यूटर यहाँ पे आके गिरा। मैंने इंस्टेंटली देखा कि उसका पूरा स्क्रीन क्रैक था, मैंने बोला गए काम से, पावर तो कट हो गया था। एंड आपको शायद दिखे, ये देखो गाइस, आपको शायद थोड़े थोड़े शाइनी चीज़ें दिख रही होंगी, तो ये डिस्प्ले जो क्रैक हो गई है, उसके सारे कांच सब जगह फैल चुके हैं, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें मैंने कनेक्शन करने की कोशिश की इंटरनेट की, अब अंदर वाला इंटरनेट तो बिगड़ चुका है, तो मैंने इंटरनेट के लिए भी लाइव स्ट्रीम करना था, मैंने अभी जस्ट लाइव स्ट्रीम खत्म किया, उसके बाद आया हूँ, और नसीब मेरे इतने अच्छे हैं कि मैं कोई वीडियो एडिट कर रहा था, एक व्लॉग एडिट कर रहा था अपलोड करने के लिए आपके लोगों के लिए, एंड स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब डिफिकल्टी हो रही है इन सब चीज़ों में एडिटिंग के वक्त, बट कम से कम स्क्रीन इज ऑन, मतलब मैं एडिट कर पाया। फिर लाइव स्ट्रीम करने के लिए ये केबल भी टूट गया, अब ये देखो कैसे टूटा है, देख सकते हो, अब यह है USB 3 केबल, जो एलगाटो, मतलब जिन जो लोग लाइव स्ट्रीम के बारे में नॉलेज है उनको पता होगा कि एलगाटो से वायर जो निकलता है वो USB 3 है, एंड वो वायर ऑब्वियसली मेरे पास एक ही पड़ा था, मेरे और किसी में काम लगता नहीं है, तो वो टूट गया, इंपॉर्टेंट वायर था, लाइव स्ट्रीम कैसे करूं, तो मैंने उसमें कॉमेंट शुरू किए, और इसमें मैंने स्क्रीन क्या बोलते हैं मिररिंग करके उसको, मतलब
थोड़े जुगाड़ किए, बहुत ज़्यादा जुगाड़। अब बात थी कि सब होने के बाद भी इंटरनेट नहीं था अंदर, ना वो वाला इंटरनेट चल रहा था यहाँ वाला, और ना ही कोई और कनेक्शन। तो अब घर का जो दूसरा वाईफाई है, मेरे घर पे दो वाईफाई है, एक स्टूडियो के लिए अलग है और एक घर के लिए अलग है। आप देख सकते हो गाइस, ये इंटरनेट का वायर अंदर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे हम इसका सेटअप रखते हैं, पर वो मैंने पूरा निकाल दिया। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे स्विच बोर्ड को यहाँ पे लगाया है, ये कनेक्शन यहाँ पे जो लूज़ जितना मैनेज कर सकता था मैंने किया, मॉडम को यहाँ पे रखा, इसके अंदर से लैन वायर लिया क्योंकि इसका वाईफाई कंप्यूटर रीड नहीं कर रहा था, किसी भी वाईफाई को कुछ इशू होगा शायद, उसका लैन मैंने यहाँ तक लिया। तो आप देख सकते हो ये कैसे मैसेज सिचुएशन था, मैं दरवाज़ा भी खुला रखा था, एंड इस तरह से मैंने लाइव स्ट्रीम की आज की। बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि मैं लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि दूर था दूसरा कंप्यूटर, एंड नसीब अच्छे के माय माइक इज़ वर्किंग, माय कैमरा इज़ वर्किंग, टूटा नहीं है, PS5 गिरते गिरते मतलब एंड तक बचा है, एंड TV वगैरह एवरीथिंग इज़ सेफ। ये जो टूटा है ना गाइस, मैं एक अंदाज़ा बता दूं आपको, अभी तक मुझे पता नहीं है, मैंने उनको फोटो वोटो वगैरह भेजा है एप्पल में, बोले कल तक मुझे बताएंगे, जब क्योंकि मैंने ये बहुत लेट हुआ था डैमेज, शाम के 7:30 के बाद हुआ था, और ऑब्वियसली सर्विस सेंटर बंद हो जाते हैं, तो मैंने उनको फोटो भेजे हैं, उनको मैंने बोला है कि बताओ मुझे, तो उन्होंने बोला कल तक मैं बताता हूँ कि क्या हो सकता है, कितना डैमेज का खर्चा आएगा। मेरे फ़ोन पे अगर स्क्रीन डैमेज हो आईफोन में, अगर मैं उसको चेंज या रिप्लेस करवाने जाऊँ, तो मेरे ख्याल से मिनिमम 55,000 से 65,000 का खर्चा रहेगा, दिस इज़ वॉट मेरा अंदाज़ा है। अब ये मेरा फ़ोन है और जस्ट लुक एट दिस iMac, लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं वो यूज़ कर सकता हूँ, आप सोचोगे, बट वो सुपर स्लो हो गया, बहुत पुराना है, नया सॉफ्टवेयर भी नहीं लगता है उसमें, और डेटा इतना उसमें पैक्ड है कि वो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज एक क्लिक के बाद काफ़ी टाइम के बाद मतलब है कुछ इश्यू है अंदर शायद उसमें, बट वो इट इज़ नॉट वर्किंग एज इट शुड। देखते हैं कल क्या होता है एंड क्या एस्टिमेशन देते हैं मुझे वगैरह वगैरह, इसी ब्लॉग में अपडेट कर दूंगा, लेट्स सी, मतलब बताता हूँ मैं आपको गाइस। सुपर अपसेट एंड थोड़ा डिफिकल्टी होगी थोड़ा टाइम एडिटिंग वगैरह में, अपलोडिंग में, जब तक ये सब सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, काफ़ी सारे इस महीने के सपने टूट गए, बट हैपेंस लाइफ। बाय गाइस, कंटिन्यू द व्लॉग, लॉट्स ऑफ लव। ओके गाइस, तो फाइनली एक इशू ये है कि USB 3 केबल जो टूट गया है मेरा एल्गाटो का, ये वाला USB 3.0 से USB-C का जो केबल है वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, ना ऑनलाइन मिल रहा है मुझे, मतलब जो मैं दो केबल्स लाया जो दुकान वाले ने मुझे बोले कि ये USB 3 है, बट वो भी वर्क नहीं कर रहे हैं, वो मे बी सिर्फ चार्जिंग के लिए हैं, एंड इसीलिए वजह से मुझे लाइव स्ट्रीम करने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, एक्सट्रीम इशू हो रहा है, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। अब मैंने ऑनलाइन एक देखा है USB का केबल 3.0 लिखा है, मंगाया है, देखते हैं, कॉस्टली है, मतलब 1400 रुपये का है, होपफुली वर्क करेगा, वरना वो भी पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 400 और दूसरा 250 वाला केबल लिया जो नहीं चल रहा है, एंड मुझे डाउट था वैसे भी कि नहीं चलेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात वीडियो की ये है कि इसका एस्टिमेशन आ गया है, मतलब ये इसका कॉस्टिंग क्या पड़ेगा रिपेयरिंग का, मुझे एक्सपेक्टेशन था उससे भी बहुत ज़्यादा इसकी प्राइसिंग है, बिकॉज मेन चीज़ क्या, मैंने आपको बोला स्क्रीन तो टूट गया है, इसको जो बॉडी बैंड हो गई ना, तो ये पीछे का भी रिप्लेस करवाना पड़ेगा, ये नहीं ठीक हो सकता, ये एक्स्ट्रा डैमेज है, वरना ये स्क्रीन जो है आप देख सकते हो बाहर निकल गई है, देख सकते हो यहाँ से निकल रही है, ये फिट नहीं होगी स्क्रीन इसके अंदर। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ, मैंने जो बात की है मेरे में जो एस्टिमेशन आया है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 99,500 सिर्फ इसका रिपेयरिंग का। जब मैंने मॉम को बताया तो मॉम को बहुत अपसेट हुआ, मेरा तो मतलब दिमाग फट गया, एंड मॉम ने बोला कि इससे तो बेटर है नया ले लेना, बट मेरे जो iMac का कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने सारे अपग्रेडेशन वगैरह जो करवाया है ना, आगे जो मैंने सब खर्चा करवा के इसको अपग्रेड किया है प्रॉपरली, तो अभी फ़िलहाल अगर मैं ये लेने जाता हूँ तो मुझे पड़ता है 3,99,000 या 3,90,000 के आसपास, वो भी कुछ चीज़ें छोड़ के, मतलब सारे एग्जैक्टली ऐसा नहीं तो भी। तो मैंने मॉम को बोला नहीं, डेफिनेटली इसको रिपेयर ही करवाना पड़ेगा, इसको मतलब डिस्प्ले वगैरह चेंज करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, एंड दुख खाए खत्म नहीं होते यार। आई हैड लॉट ऑफ प्लान्स दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ के लिए, बट करवाना पड़ेगा, एंड खर्चा आ गया है तो आ गया, क्या कर सकते हैं, आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो अंकिता का बर्थडे है कल, मैं आज जा रहा हूँ, बस यहाँ से निकल रहा हूँ, ये वीडियो अभी एडिट करूँगा,
अपलोड करूँगा अभी दोपहर के 3-4 बजने वाली है, एंड अपलोड सीधा एडिट करके अपलोड करके मैं निकलूँगा अंकिता के वहाँ पे, एंड उसका भी ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, एंड ब्लॉग करूँगा अभी से लेके रात तक हम लोग क्या करते बर्थडे में, देन कल का ही अलग सा ब्लॉग बनाएंगे बर्थडे का। रात को मिलेंगे हम लाइव स्ट्रीम पे, रणवीर लाइव स्ट्रीम चैनल पे रात को मिलेंगे आज 12:15 को, अगर केक वगैरह हमारे जो अंकिता की फैमिली कटिंग वगैरह कर देगी उसके बाद लाइव स्ट्रीम पे आएंगे 12:15 के आसपास। आप चाहो तो विश करने आ सकते हो रणवीर लाइव स्ट्रीम चैनल पे, और मेन चैनल पे हम लोग लाइव आएंगे कल रात को 9 बजे के आसपास। तो डू ज्वाइन एंड या विश करना अंकिता को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। अंकिता की कल बर्थडे है एंड या आई हैव अ ह्यूज सरप्राइज फॉर हर एज वेल। तो ह्यूज सरप्राइज क्या है उसके लिए आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा, एंड लास्ट वीडियो के बेस्ट कमेंट्स शुरू होते हैं अब। ओके गाइस, तो अगर आपको भी ऐसे शाउट आउट चाहिए तो आपको करने पड़ेगा बहुत बढ़िया कमेंट, बट इंपॉर्टेंट है रूल्स फॉलो करना, जो कि सब्सक्राइब द चैनल विद बेल आइकन, लाइक कमेंट शेयर द वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लो, प्रैंक्स देखने हो तो प्रैंक चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, बाकी तो लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, एंड अंकिता के चैनल है उसको जाके सपोर्ट कर लो, बाय।